फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्यूरिंग मशीन में बात करेंगे लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। कौन सी लैंग्वेज होगी जो ट्यूरिंग मशीन को एक्सेप्ट कर लेगी, उसका डिफिनेशन क्या होगा, तो उसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। डिफिनेशन से पहले लेट अस कंसीडर ट्यूरिंग मशीन एम विच कंसिस्ट 7 टपल्स कैपिटल क्यू सिग्मा गामा डेल्टा क्यू नॉट बी एंड एफ। इन सारे टपल के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने ट्यूरिंग मशीन की इंट्रोडक्टरी क्लास में दिया था, वहां पे इसको आप वहां से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट हम बता दें यहां से कि कैपिटल क्यू क्या है, सेटअप स्टेट, सिग्मा सेटअप इनपुट सिंबल, और गामा है आपका सेटअप टेप सिंबल, डेल्टा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कुछ आपको दिया होगा या तो टेबल के फॉर्म में दिया हो या तो ट्रांजिशन ग्राफ के फॉर्म में दिया होगा, वो आपका डेल्टा हो जाएगा। क्यू नॉट, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन जो बिलोंग करेगा कैपिटल क्यू में, एंड बी इज ए ब्लैंक सिंबल बिलोंग्स इनटू गामा टेप सिंबल में बिलोंग करेगा। आपका कैपिटल एफ का सेट ऑफ फाइनल स्टेट, जहां पर अगर मशीन पहुंचती है तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट हो कर रही है। तो अगर आपको कोई मशीन इस तरह दिया हुआ है तो एक कंसीडर ए स्ट्रिंग डब्ल्यू, कोई स्ट्रिंग W है जो लैंग्वेज L में है, कि जो लैंग्वेज दिया हुआ है उसमें से कोई स्ट्रिंग W है, उसको हम कह सकते हैं कि इस मशीन पे कब एक्सेप्टेड होगा, जब Q नॉट W, Q नॉट मीन्स इनिशियल स्टेट, ध्यान दीजिए यहां से इनिशियल था मशीन का, इनिशियल से अगर हम W स्ट्रिंग को लेते हैं तो हम नंबर ऑफ ट्रांजिशन, ये मूवमेंट शो कर रहा है कि नंबर ऑफ मूव टेबल के या डायग्राम के हिसाब से नंबर ऑफ मूव के साथ अगर हम इस फॉर्मेट में पहुंचे, मींस अल्फा वन एफ और अल्फा टू, जहां पे एफ क्या हो आपका फाइनल स्टेट, मतलब एफ यहां पे कोई ना कोई फाइनल स्टेट हो आपका, अल्फा वन अल्फा टू क्या होगा जो टेप सिंबल में बिलोंग कर रहे हैं, यहां पे कोई भी टेप सिंबल का कोई भी टेप का सिंबल हो सकता है अल्फा वन अल्फा टू में। अगर इस तरह से है तो आप देखिए यहाँ पे कि मेजर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि फाइनल स्टेट किसी एफ में पहुंचना चाहिए जो एफ क्या हो आपका फाइनल स्टेट होगा, तो हम तभी कहेंगे कि ये लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है, अदरवाइज इस मशीन पे वो लैंग्वेज या उसका स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। एक ट्यूरिंग मशीन M डज नॉट एक्सेप्ट W, हम कब कह सकते हैं कि W को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जब मशीन M हॉल्ट इन नॉन फाइनल स्टेट और डज नॉट हॉल्ट। तो दो केस होगा जब हम किसी स्ट्रिंग या लैंग्वेज को कह सकते हैं कि मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या तो वो किसी नॉन फाइनल स्टेट पे हॉल्ट कर जाए, हॉल्ट करने की मीन्स मशीन रुक जाए, उसके आगे उसको कोई मूवमेंट ना मिले। जैसे अगर ट्रांजिशन टेबल यहां पे देखें तो Q1 से अगर वन सिंबल आता है तो यहां पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो मशीन क्या कर जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा यहां पे। तो अगर ऐसे कहीं हॉल्ट करे जहां पे नॉन फाइनल स्टेट हो, नॉन फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचा है और मशीन हॉल्ट कर गई, तो नॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। या दूसरा केस है कि मशीन कभी हॉल्ट ही न करे, मशीन कभी हॉल्ट न करे, वो रिकर्सिवली चलता रहे, तो हम तब भी नहीं कह सकते कि वो लैंग्वेज उस ट्यूरिंग मशीन पे एक्सेप्ट हो रही है। तो यहां से एक चीज और समझिएगा आप कि कोई भी मशीन तीन केस में होगी आपका, एक तो हॉल्ट करेगी, अगर हॉल्ट करती है फाइनल स्टेट पे पहुंचा है तो हम कहेंगे उसको स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर गई, दूसरा अगर हॉल्ट करता है और नॉन फाइनल स्टेट पे है, नॉन फाइनल स्टेट पे है तो इसको हम कह सकते हैं रिजेक्ट, और मशीन अगर हॉल्ट ही नहीं की है, मतलब हॉल्ट नहीं की है और किसी भी स्टेट पे हो, उसको भी हम कह सकते हैं कि ए स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड बाई ट्यूरिंग मशीन। तो यहां से देख सकते हैं कि अगर एक्सेप्टेंस दिखाना है तो केवल एक ही केस है, मशीन हॉल्ट करे और मशीन फाइनल स्टेट में हो, तब जाके हम उसको एक्सेप्ट रिजल्ट दे सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे ये मशीन किसी स्ट्रिंग को कह रही कि एक्सेप्टेंस में आ रहा है या एक्सेप्ट हो पा रहा है ट्यूरिंग मशीन पे या नहीं। सपोज कीजिए आप एग्जांपल दिया है ए ट्यूरिंग मशीन, जैसे ट्यूरिंग मशीन यहां 7 टेपल्स दे रखा था, यहां से आप 7 टेपल्स निकाल सकते हैं। सेट ऑफ स्टेट क्या है, क्यू वन टू क्यू सिक्स, इनपुट सिंबल सिग्मा, सिग्मा में सिंबल कौन कौन सा है, जीरो वन एक्स वाई, और बी क्या है आपका ब्लैंक है, फाइनल स्टेट आपका यहां से ले लीजिए Q1 आपका इनिशियल हम ले रहे हैं यहां से, और Q6 आपका हम इसको फाइनल बना रहे हैं।
तो इनिशियल और फाइनल भी यहां से बन गया। तो अब जो क्वेश्चन कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग ट्यूरिंग मशीन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेसिंग सीक्वेंस ऑफ 011, 0011 एंड 001। इस तीनों के लिए सॉल्व करके दिखाइए कि तीनों को एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है या नॉट एक्सेप्टेड में जा रहा है। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है आपका 011। अगर हम 011 ले तो कैसे काम करेगा, ध्यान दीजिए 011 स्टेट कौन सा होगा आपका, इनपुट सिंबल पहला सिंबल किसको लेगा, जीरो को। उस टाइम स्टेट कौन सा होगा, Q1, क्योंकि Q1 आपका क्या है, इनिशियल स्टेट। दीजिए Q1 से जीरो क्या हो रहा है, जीरो को x बना रहा है, कौन सा मूवमेंट होगा, इस जीरो को x बना देगा, मतलब यहां हो जाएगा x, और राइट मूव करेगा, मींस ए हेड यहां से मूव करके यहां पर आ जाएगा, 11 तो यहां रहेगा क्योंकि केवल इसको चेंज किया, और यहां पहुंच गया किस पे, स्टेट 2 पे, और अब करंट सिंबल इनपुट सिंबल करंट टेप सिंबल कौन सा आ गया, 1। अब देखिए Q2 से अगर 1 देखें तो 1 को क्या बना रहा है, 1 को y बना दिया, 1 को y बना दिया तो क्या हो जाएगा, x y, और लेफ्ट मूव कर रहा है, Q3 पहुंच रहा है, इस 1 पे कुछ नहीं किया, 1 ही पर रहेगा। अब मशीन लेफ्ट मूव कर रही है, मशीन यहां थी तो यहां से लेफ्ट मूव कहां होगा, यहां पे, तो यहां पे आ जाएगी, मूव करेगी स्टेट पे किस पे पहुंचेगी, Q3 पे। अब जब Q3 पहुंची लेफ्ट मूव पे तो करंट सिंबल कौन सा आ गया, x। अब Q3 से x क्या किया, x को x ही रहने दे रहा है, x को x ही रहने दिया, और राइट मूव किया, Q5 पहुंच गया, तो x को x रहने दिया, तो यहां पे y1 जो बच गया, y1 यहां आ जाएगा, और राइट मूव क्या किया, किस पे पहुंचा, Q5 पे, तो हम ले सकते हैं Q5। अब करंट सिंबल क्या है, y। Q5 से y क्या कर रहा है, y को y ही रहने दे रहा है, y को y रहने दिया और राइट मूव किया, Q5 पे पहुंच गया, तो यहां पे 1 है, राइट मूव यहां पे आ गया, इससे पहुंच गया किस पे, Q5 पे। अब Q5 से 1 देखिए यहां क्या है, यहां पे Q5 से 1 कोई भी रूल नहीं है, मतलब मशीन यहां क्या कर गई, हॉल्ट कर गई, और मशीन हॉल्ट करते ही अब आप चेक कीजिए, जब मशीन हॉल्ट की तो उस टाइम किस स्टेट में मशीन है आपका, स्टेट नंबर 5 है, और स्टेट नंबर 5 क्या है, नॉट एक्सेप्टेड स्टेट, मींस नॉन फाइनल स्टेट है। जब नॉन फाइनल स्टेट है तो किस कैटेगरी में जाएगी, मशीन तो हॉल्ट किया लेकिन कहां किया, नॉन फाइनल स्टेट पे, इसलिए इसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया इस स्ट्रिंग को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके लिए 0011 के लिए, अगर हम 0011 के लिए देखें तो यहां हम देख लेते हैं, तो 0011 स्टार्ट कहां से करेगा आपका, Q1 से 0, 0 को x बनाया, राइट मूव कर गया, चलिए 0 को x बनाया, और 011 ये तो सिंबल ऐसे रहेंगे, और राइट मूव किया तो यहां पे आ गया, स्टेट चेंज किया क्या, स्टेट Q2 आ गया, तो यहां हो जाएगा Q2, और अब करंट सिंबल 0 हो गया, Q2 to 0, 0 को 0 रह रहा है, राइट मूव कर रहा है, Q2 पहुंच रहा है, तो 0 को 0 ही रहने दिया, x 0 11 0 को 0 रहने दिया, राइट मूव किया, यहां पे आ गया, और स्टेट चेंज नहीं किया, करंट सिंबल आपका क्या आ गया, 1। Q2 1 को y से रिप्लेस कर रहा, 1 को लेफ्ट मूव कर रहा, Q3 Q2 से 1 किया, 1 को y बना दिया, जब 1 को y बना दिया और लेफ्ट मूव कर रहा Q3 पे, मतलब x 0 1 को y बना दिया, a1 ऐसे रहेगा, लेफ्ट मूव किया Q3, अब करंट सिम क्या हो गया, Q3 0 पे क्या रहा है, 0 को 0 रहने दे रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है, Q4 स्टेटस स्टेट 4 पहुंच जा रहा है, तो मतलब x 0 y 0 को 0 रहने दिया, जब लेफ्ट मूव किया तो यहां आ गया, स्टेट पहुंच गया Q4 पे। Q4 से x क्या है, x को x रहने दिया, राइट मूव कर रहा है, मतलब x को x रहने दिया, राइट मूव किया तो यहां पहुंच गया, स्टेट कौन सा हो गया, Q1 से 0 x 0 को x बना दिया, राइट मूव Q2, तो 0 को x बना दिया, राइट मूव किया और पहुंचा Q2 पे। Q2 से y, y y
अगर Q2 से Y देखें तो क्या कर रहा है, Y को Y ही रहने दे रहा है और राइट मूव कर रहा है Q2 पे, तो क्या बन जाएगा, X से X Y को Y ही रहने देगा, राइट मूव करेगा तो राइट मूव यहां पे आ जाएगा, स्टेट क्या होगा Q2 ही। अब Q2 से 1, Q2 से 1 क्या कर रहा है, Q2 से अगर 1 आ रहा है देखिए यहां पे क्या किया, Q2 से 1, 1 को Y बना दिया, मींस इस 1 को Y बना देगा तो क्या बचेगा, X X Y Y और लेफ्ट मूव कर रहा है Q3 पे, जब Q लेफ्ट मूव कर रहा है Q3 पे तो लेफ्ट मूव यहां हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा Q3, Q3 से Y, Q3 से Y को Y ही रहने दे रहा है, मींस X X Y Y रहने देगा और Q3 से Y पे क्या कर रहा है, यहां पे लेफ्ट मूव कर रहा है Q3 पे, तो लेफ्ट मूव किया तो यहां पे आ जाएगा और Q3 रहेगा। अब Q3 से X, अगर हम Q3 से X देखें अब, तो Q3 से X को X ही रहने दे रहा है, मतलब X को X ही रहने दिया और राइट मूव कर रहा Q5, तो राइट मूव कर रहा तो यहां कहां आ जाए Q5, Q5 से Y, Q5 से Y रहने दे रहा, Q5 से Y तो Y को Y ही रहने दे रहा है, यहां आप देख लें तो हो जाएगा X X Y को Y रहने दिया तो हो जाएगा Y और राइट मूव कर रहा Q5 पे, तो राइट मूव कर रहा Q5 पे, अगेन देखें तो Q5 से Y, Q5 से Y फिर देखें तो क्या किया, Y को Y रहने दिया, X X Y Y रहने दिया, अब फिर राइट मूव कर रहा Q5, राइट में इधर कोई सिंबल नहीं था, एक सिंबल हम बढ़ा लेंगे, अगेन क्या आ जाएगा Q5, Q5 से B, अगर Q5 से B हो रहा है तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, Q5 से B, B को B ही रहने दिया, मतलब X X Y Y B को B ही रहने दिया और राइट मूव कर रहा Q6 पे, जब राइट मूव करेगा तो यहां पे एक और B आ जाएगा और करंट सिंबल हो जाएगा Q6, अब Q6 से B, Q6 से B यहां पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, मतलब मशीन हॉल्ट कर गई, जब मशीन हॉल्ट कर गई यहां पे तब चेक कीजिए कि स्टेट किस में है, इस टाइम Q6 में है, Q6 क्या फाइनल स्टेट है आपका, Q6 हमारा फाइनल स्टेट है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको मशीन एक्सेप्ट कर लेगी, यहां पे दे देगी कि ये एक्सेप्टेड है, कैसे, इसी से मशीन हॉल्ट की फाइनल स्टेट पहुंच चुकी है तो क्या हुआ, एक्सेप्टेड हो जाएगा, तो इस तरह से एक्सेप्टेड हो गया। थर्ड केस में देखते हैं 001, यही ना 001 के केस में देखें, अगर नेक्स्ट तो हम स्टार्टिंग कहां से करें, Q1 से, Q1 से स्टार्ट किया, Q10, Q10 से X बना दिया, राइट मूव किया, मतलब यहां पे आ गया Q2 पहुंच जाएगा, Q2 से 0, Q2 से 0 को 0 ही रहने दिया, तो X 0 को 0 ही रहने दिया, राइट मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है तो राइट मूव यहां पे आ जाएगा और Q2 स्टेट पे, Q2 से 1, Q2 से 1 को Y बना दिया तो X 0 Y हो जाएगा यहां पे और लेफ्ट मूव किया, लेफ्ट मूव यहां किया Q3 पे, Q3, Q3 से 0, 0 को 0 ही रहने दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, X 0 Y और मशीन मूव कहां कर रही है, लेफ्ट में Q4, तो यहां पहुंचेगी क्या हो जाएगा Q4, Q4 से X, X को X ही रहने दिया, Q4 से X देखें तो क्या हो रहा है, X को X ही रहने दिया तो X 0 Y रहेगा, X को कुछ नहीं किया तो X को X ही रहने दिया और राइट मूव कर रहा है Q1 पे और राइट मूव करेगा यहां पे कहां जाए Q1 पे, Q1 से 0, 0 को X बना दिया, मतलब X X Y हो जाएगा और राइट मूव करेगा Q2 पे, राइट मूव करेगा तो राइट मूव कहां जाएगा यहां पे और Q2 पे, Q2 से Y, Q2 से Y को Y ही बना रहा है और Q2 से Y को Y बनाया तो X X Y ही रहेगा और राइट मूव कर रहा है Q2 पे, राइट मूव कर रहा, कोई सिंबल नहीं था, एक सिंबल हम ऐड कर लेंगे B ब्लैंक और स्टेट चेंज नहीं किया, Q2 पे ही है, Q2 से B, Q2 से B देखिए यहां पे क्या हुआ, कोई मूव नहीं है तो यहां मशीन कर गई हॉल्ट, जब मशीन हॉल्ट कर गई तो ध्यान दीजिए स्टेट चेक कीजिए, क्या स्टेट ये फाइनल स्टेट है, Q2 फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो रही है, नॉट एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड हो जाएगी ये भी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो होपफुली
आपको वर्किंग समझ में आ गया होगा, कैसे एक्सेप्ट करेगी, कब रिजेक्ट करेगी, कब नॉट एक्सेप्ट करेगी, ये सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन, जिसको हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन के भी नाम से जानते हैं।